मैं प्रभात मॉल, आप देख सकते हो झारखंड का सबसे बड़ा मॉल है ओजोन गैलेरिया, जिसमें बिरसा मुंडा पार्क जो कि धनबाद में है और भटिंडा फॉल जो कि धनबाद में ही है। तो आपको अगर कुछ यूनिक सा रेस्टोरेंट में आना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो यामस। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल में। तो गाइज, आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज एक्चुअली मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं, आई एम नॉट प्रॉपर फ्रॉम धनबाद, बट मैं जहाँ जहाँ पे घूमा हूँ, जहाँ पे मैंने विजिट किया हूँ, उसके बारे में मैं आज के ब्लॉग में आप सबको दिखाने वाला हूँ। तो आप भी धनबाद से हो या फिर आप कहीं और से धनबाद आए हो और थोड़ा कंफ्यूज हो कि धनबाद में घूमने के लिए कहाँ जाएं, तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखना। बस आपसे 6 मिनट मांगूंगा मैं, 6 मिनट। इस 6 मिनट में पूरा धनबाद आपको घुमाने वाला हूँ। सो ब्लॉग को पूरा देखें और चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो आ गया हूँ मैं प्रभात मॉल, आप देख सकते हो झारखंड का सबसे बड़ा मॉल है ये। तो चलिए अंदर चलते हैं, अंदर जाके आप सबको इंटीरियर दिखाते हैं प्रभात मॉल का। तो फाइनली आप देख सकते हो मैं अंदर आ चुका हूँ, ग्राउंड फ्लोर में हूँ और सभी तरह का यहाँ पे शोरूम मिल जाएगा आपको, वैन हुसैन, एलन सोली, सो मेनी। व्यू देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है मॉल, और ये हमारे झारखंड का सबसे बड़ा मॉल में आता है। आपको हर ब्रांड के शोरूम यहाँ पे अवेलेबल है, मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे आइनॉक्स भी है जहाँ पे 4 स्क्रीन है, आप यहाँ पे मूवी भी इंजॉय कर सकते हो आके। थर्ड फ्लोर में आप आओगे तो आपको छोटे छोटे से रेस्टोरेंट मिलेंगे जहाँ पे आप बाहर में बैठ के जो भी ऑर्डर करना चाहो खा सकते हो, ऑर्डर करके वॉम मोमोज वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे गेम जोन भी मिलेगा जहाँ पे आप जाके बड़े हो या बच्चे हो जाके गेम इंजॉय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो स्क्रीन में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, बच्चों को गेम्स बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कि ओजोन गैलेरिया, जिसे बिग बाज़ार के नाम से भी लोग जानते हैं धनबाद में, तो चलिए बिग बाज़ार के अंदर चलते हैं। यहाँ पे बिग बाज़ार में आपको यहाँ पे 4 फ्लोर दिखेंगे एंड सबसे टॉप में यहाँ पे भी आइनॉक्स है, यहाँ पे भी आप मूवी इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे भी आप काफ़ी सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे कपड़ों के लिए, शॉपिंग के लिए। KFC है, डोमिनोज है, आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। वॉम मोमोज भी मिल जाएगा आपको, फूड फैक्ट्री भी है, सो काफ़ी कुछ है खाने के लिए। एंड यहाँ पे कैफ़े कॉफ़ी डे भी मिलेगा। अब मैं आप सभी को बिग बाज़ार के जस्ट अपोजिट साइड में, जस्ट सामने ही आपको जूडियो मॉल लेके आया हूँ। और मैं पहली बार धनबाद में जूडियो मॉल विजिट किया और यहाँ पे आप देख सकते हो जींस हो या टी शर्ट्स हो या डेनिम जैकेट्स हो, काफ़ी सस्ते में आपको चीप एंड बेस्ट और अच्छी क्वालिटी में आपको मिलेगी, और बहुत ही कम, बहुत ही सस्ता और एकदम नए ट्रेंड, जो नया ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से मिलेगा आपको। और मुझे तो ये मॉल आके काफ़ी कुछ पसंद आया एंड काफ़ी अच्छा लगा मुझे। बहुत सारे न्यू ट्रेंडिंग जींस, टी शर्ट्स सभी सस्ते प्राइस में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, गर्ल्स का भी, बॉयज़ का भी। तो अगर आप धनबाद से हो, आपको चीप एंड बेस्ट चाहिए सस्ता में न्यू ट्रेंड का, तो आप यहाँ पे ज़रूर विजिट करें जूडियो मॉल जो कि बिग बाज़ार के पास में ही है। बिरसा मुंडा पार्क जो कि धनबाद में है और ये धनबाद का सबसे बड़ा पार्क में आता है। तो इस पार्क के अंदर मैं आ चुका हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे सीन्स है जहाँ पे आप फोटो क्लिक करवा सकते हो, रील्स बना सकते हो। और यहाँ पे आपको टॉय ट्रेन भी मिलेगा जिसमें आप ट्रेन में बैठ के, टॉय ट्रेन में बैठ के पूरा पार्क देख सकते हो, घूम सकते हो। काफ़ी सारे झूले हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखो साथ ही साथ, ये वीडियो जो है ये जनवरी का है, तो उस समय पिकनिक का टाइम होता है, सो सारे लोग आते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए अपने फैमिली के साथ। काफ़ी कुछ खाने को भी मिल जाएगा आपको रेस्टोरेंट में, झूला वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे इस पार्क में। तो आप देख सकते हो ये रहा टॉय ट्रेन, यहाँ स्टेज यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है। हालांकि अब फंक्शंस तो इसमें नहीं होती है, पहले होती थी, मैं भी एक बार यहाँ गाना गा चुका हूँ। ऊपर में भी रेस्टोरेंट दिख रहा है, यहाँ पे भी आप रेस्टोरेंट में आके कुछ खा सकते हो। नाइट का व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है पार्क में। अब मैं आप सभी को लेके आया हूँ भटिंडा फॉल जो कि धनबाद में ही है। और यहाँ पे आप देखो, मैं ये भी वीडियो क्लिप जो है वो जनवरी का है और उस समय पिकनिक का समय होता है और ठंड का सीज़न होता है, तो लोग धूप का मज़ा लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। काफ़ी प्यारा सा फॉल है आप देख सकते हो, और काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ले रहे हैं, बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए भी आए हैं यहाँ पे, और मेला लगा हुआ है बाहर में आप देख सकते हो। तो अब मैं आप सभी को लेके आया हूँ तोप चांची झील, जो कि बस स्टैंड से 35 किलोमीटर की दूरी में है। बहुत ही प्यारा सा लोकेशन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ, इसका नाम ही है झील, सो झील है और पीछे में पहाड़ है, बस यही है यहाँ पे आप देख सकते हो। तो अगर आप धनबाद आए हो कहीं दूर से और आपको झील आना है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हो। अब मैं आप सभी को लेके आया हूँ श्री श्री राम राज मंदिर, छिटाही धाम। ये कतरासगढ़ जोगीडीह में स्थित है ये मंदिर, काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर है। तो अगर आप धनबाद से हो और या फिर धनबाद आप घूमने के लिए आए हो तो आप यहाँ पे ज़रूर आए, आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे आके भगवान जी का दर्शन करके। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आए और आके भगवान जी का दर्शन करें। और बार्कलेन रिसॉर्ट जो कि धनबाद गोविंदपुर में है,
और बहुत ही मुझे तो ये रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया, ये रिसॉर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। यहाँ पे जो इसकी जो लाइटिंग से जो इसका जो व्यू आ रहा है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। एक बार आप भी व्यू को देख सकते हो, कितना प्यारा है, स्विमिंग पूल है। और तो मुझे पर्सनली ये रिसॉर्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्यारा सा रेस्टोरेंट जो कि धनबाद के बस स्टैंड से अगर मैं बताऊँ तो वहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी में है। इसका रेस्टोरेंट का नाम है यामस और बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है। आप देख सकते हो ये एंट्रेंस जाने का है और अभी मैं इसके अंदर ही जा रहा हूँ। तो फाइनली मैं इंटर कर चुका हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हो इस रेस्टोरेंट का जो व्यू है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, स्विमिंग पूल है। तो आपको अगर कुछ यूनिक सा रेस्टोरेंट में आना है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो यामस, एंड एड्रेस इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप देख सकते हो व्यू कपल्स के लिए भी काफ़ी अच्छे अच्छे सेपरेट बने हुए हैं जहाँ पे वो बैठ के इंजॉय कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, ये लेफ्ट राइट भी होता है। पेड़ों के बीच में बहुत ही प्यारे प्यारे से रूम्स बने हुए हैं, 3 रूम है टोटल यहाँ पे, और काफ़ी शानदार लग रहा है ये रेस्टोरेंट। मैं 2 बार जा चुका हूँ एंड एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बहुत ही प्यारा सा रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो। गोविंदपुर धनबाद में एक और रिसॉर्ट लेके आया हूँ जिसका नाम है बेडलॉक ग्रीन्स रेस्टोरेंट एंड होटल्स। यहाँ से आप इसका व्यू देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत है ये भी। तो इस रिसॉर्ट में आपको रेंट में वीला भी मिल जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत खूबसूरत वीला है। यहाँ पे 2 रेस्टोरेंट है, ओपन बॉक्स एक फैमिली, तो हम अभी आए हैं ओपन बॉक्स में। यहाँ पे बड़ा सा स्क्रीन भी लगा है, ये रहा बार, ये भी काफ़ी बढ़िया रिसॉर्ट है। यहाँ पे भी आप विजिट करो, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। इसके साथ ही साथ आपको 2 और रिसॉर्ट मिलेंगे जिसका नाम है विवाना, ये भी गोविंदपुर धनबाद में है। एक और रिसॉर्ट है जिसका नाम है संबोधि रिट्रीट, ये भी काफ़ी अच्छा रिसॉर्ट है। हालांकि मैं विवाना और संबोधि रिट्रीट में विजिट तो नहीं किया हूँ। इसी के साथ साथ आपको कुकुन 4-स्टार होटल है धनबाद का, और इसी के साथ ये है 17 डिग्री, ये 3-स्टार होटल है धनबाद का। सो गाइज, आप सबने देखा ब्लॉग, एंड इस ब्लॉग को एडिट करने में, वॉइस ओवर करने में काफ़ी मुझे समय लगा, काफ़ी वक्त लगा वहाँ पे जाके क्लिप्स की रिकॉर्डिंग करनी। सो अगर आपको लगता है कि आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव था ये वीडियो, कुछ थोड़ी बहुत भी जानकारी अगर मिली तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, एंड आई होप कि पसंद आया होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।